एक इंसान ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पर कई लोगों को डांटना पड़ता है अगर वो सोचे कि अब ये जो काम है जो तकलीफ़ देता है इसमें मैं नया प्रयोग करूँ लोगों को डांटूँ तो रोज़ नए ढंग से लोगों को डांटूँ तो रोज़ नए ढंग से तो क्या होने वाला है वो डांटना उसको तकलीफ़ देने वाला है नहीं देने वाला है सामने वाले को तकलीफ़ देने वाला नहीं देने वाला काम भी होने वाले और उसकी जो गुस्से की शक्ति थी वह सजगता में बदल गई वह रचनात्मक कार्य में बदल गई वह क्रिएटिविटी में बदल गई नया हमें क्रिएटिव बनाता है और क्रिएटिव चीज़ों की आवश्यकता है क्योंकि वे पूर्णता के नज़दीक हैं वे पूर्णता ला सकती है जो संभावना है उसको आपके पास ला सकती है नए को स्पेस देनी है नए को समय देना है नए को ध्यान देना है नए ढंग से सुनकर देखो नए रास्ते से जाकर देखो नए ढंग से घर की एक्टिविटीज़ करके देखो कितने ऑप्शन है कितने तरीके हमारे पास है तो हम थोड़ा सा गौर करना होश के साथ नए साल में शुरू कर दें ताकि नया साल जो एक्चुअल के नज़दीक है जो हमारी संभावना के नज़दीक है वो हमें वहाँ पहुँचाए एक नया विचार हम विश्व को दे पाए एक न्यूटन विश्व को दे पाए जिसकी ज़रूरत है विश्व को तो नए को हम तुरंत स्वीकार कर पाएँ एक ऐसी सिचुएशन जहाँ गुस्सा बार बार करना पड़ रहा है एक इंसान को तो संभावना है ऑप्शन बहुत है मगर कभी कोई रुककर सोचता नहीं है तो नए साल में हम रीथिंग करें सोचें बॉडी को बैठने की आदत डालनी है दस मिनट बीस मिनट रोज़ बिठाओगे। ये मत सोचो ध्यान होता ही नहीं तो नहीं बैठते बैठाना है पहले तो रात को सोते वक्त भी पूछोगे अपने आप से ऐसा कौन सा काम है जो मैं पूर्ण कर सकता हूँ ऐसा कौन सा एक छोटा काम है जो अभी मैं उठ कर डालूं तो ऐसी आदत भी आपको बहुत मदद करती है इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें